सिर्फ 2 मिनट में दांतों का पीलापन दूर करके मोती जैसे सफ़ेद बनाने का जबरदस्त घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दांतों का पीलापन दूर करके मोती जैसे सफ़ेद बनाने के जबरदस्त घरेलू उपाय। दांत हमारे शरीर के अनमोल रत्नों में से एक होते हैं। इनके बिना हमारी सुंदरता अधूरी होती है और साथ में हमारी हंसी भी। दांतों से ही हमारी सुंदरता बढ़ती है। अगर दांत साफ और चमकदार हो तो हमारी पर्सनालिटी और भी अच्छी लगती है। अधिकतर लोग दांतों में पीलापन या कालापन होने के कारण किसी के सामने खुलकर ना तो बात कर पाते हैं और ना ही हंस पाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाना अच्छे से और चबाकर खाते हैं तो वो खाना अच्छे से पच जाता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि दांतों की सफाई और देखभाल कैसे करें। दांतों का पीलापन या कालापन होने के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी दांतों में पीलापन या कालापन आने लगता है। उम्र के साथ कई बार दांतों पर इनेमल की परत जमती चली जाती है, जो एक सामान्य क्रिया है। धूम्रपान और स्मोकिंग सिगरेट, आनुवंशिक फैक्टर, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक के ज़्यादा सेवन करने से भी दांत पीले पड़ जाते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि टेट्रासाइक्लिक नामक दवा के कारण भी दांत पीले हो जाते हैं। ब्रश ठीक से नहीं करना। आज हम पीले दांतों को मोती जैसे सफ़ेद करने के लिए घरेलू उपाय की बात कर रहे हैं। उसका नाम है सरसों का तेल। जी हाँ, चौंकिए मत, सरसों का तेल दांतों का पीलापन चुटकियों में दूर करता है। सरसों के तेल से दांत चमकाने के लिए आपको लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल, 2 पत्ते तुलसी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच नींबू का रस की ज़रूरत होगी। बेकिंग सोडा ये दांतों को प्लाक को ख़त्म करके दांतों की सफ़ेदी और चमक बनाए रखता है। नींबू के प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण दांतों पर भी असर दिखाते हैं। नमक दांतों के खोए मिनरल्स लौटाता है, जिससे दांतों का सफ़ेद रंग बना रहता है। तुलसी में भी दांतों को सफ़ेद गुण बनाने के गुण होते हैं। इसके साथ ही तुलसी पायरिया आदि से भी दांतों की रक्षा करता है। इसके लिए पहले आप सरसों का तेल, बेकिंग सोडा, नमक, नींबू और तुलसी एक साथ ले लें। उसके बाद एक कटोरे में 1 चम्मच सरसों का तेल ले लें। उसमें 2 से 3 पत्ते तुलसी के छोटे बारीक हिस्से में काट के सरसों के तेल में मिक्स कर दें। उसके बाद उसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। उसके बाद उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दें और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक सफ़ेद रंग का पेस्ट जैसा बन जाएगा। एक से दो मिनट तक इस तरह से हिलाएं। उसके बाद उसमें 1/2 चम्मच नींबू निचोड़ कर मिक्स कर दें और वापस 1 या 2 मिनट तक हिलाएं। मिक्स करने के दौरान तेल थोड़ा बाहर आ सकता है, तो अच्छी तरह से मिक्स करें, जिससे वो थोड़ा पेस्ट बन जाएगा। जो जो मात्रा में बताया है
उतनी ही मात्रा में दोस्तों ये सब चीज़ें मिक्स करें। एक मिक्सर बनने के बाद 5 मिनट के भीतर ही इस्तेमाल कर लें। उसके बाद सिर्फ 1-2 मिनट तक ही आपके टूथब्रश से अपने दांतों को साफ कर लें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करें। इस घरेलू उपाय का असर आपको 4 से 5 बार इस्तेमाल करने से अपने पीले दांतों पर तुरंत दिख जाएगा। मोतियों जैसे चमकते दांत आपकी सुंदरता और व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते हैं। दिन में 2 बार ब्रश और उचित साफ सफाई से दांत मोतियों से चमकदार और मजबूत बने रहते हैं और इससे आपकी दांतों से संबंधित सभी बीमारियां भी दूर हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें।